नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आप देख रहे हैं वीडियो। ये महिंद्रा कैबलाजो X28 मॉडल गाड़ी है, BS6। इसमें बहुत सारा कोड आया हुआ है और गाड़ी लंबा क्रैंक लेके स्टार्ट हो रहा है और गाड़ी में कुछ आवाज़ है और धुआं दे रहा है गाड़ी, ब्लैक कलर का मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारा कोड आया हुआ है, जैसे देख सकते हैं P2082 है और यहाँ पर P2461 भी है और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए और भी कोड आ रहा है, यहाँ पर P04A9, मतलब बहुत सारा कोड है। ठीक है, मैं देखता हूँ लैपटॉप लगा के, इसमें P0112 भी है और भी देखते हैं क्या क्या कोड इसमें है। ठीक है, P0117 है, तो बहुत सारा कोड आया हुआ है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम मिलता है हम लोग को। तो हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मैं गाड़ी से दिखाता हूँ करके, यहीं गाड़ी के इंजन का जो आवाज़ है चेंज है। देखिए आवाज़ जो है हमारा ऐसे कर रहा है और देख सकते हैं इंजन का आवाज़, देखिए ब्लैक स्मोक दे रहा है ये, क्योंकि वहाँ से देखते सिलेंडर के बाद मैं प्रेस भी दिखा रहा हूँ करके। देखिए कैसे धुआँ दे रहा है ये। ठीक है, और देखिए आवाज़ कैसा है इंजन का, और आरपीएम मेरा फुल नहीं जा रहा है, दिखा रहा हूँ यहाँ पे रेस करके 1500 से ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, और चक्कर जला हुआ है, आरपीएम नहीं आ रहा है, देखते हैं लफड़ा आके क्या दिक्कत है इसमें। तो देख सकते हैं सारा कोड यहाँ पे आया हुआ है जो आया था हमारा गाड़ी में। तो अभी देखिए यहाँ पे एक कोड जो है पार्टिकुलेट फिल्टर प्रेशर है वो ओवर लिमिट, ये सिर्फ करंट में है, बाकी सब हिस्ट्री में पहले ये आया था। अभी मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है इससे है, आरपीएम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये इसमें क्या दिक्कत है, हम लोग क्लियर देते करके। देखिए यहाँ पर जो कोड आया हमारा P2461, ये सिर्फ करंट में है, बाकी सारा जो है हील्ड में आ गया है। ठीक है, देख सकते हैं अभी इतना सारा कोड आया हुआ था, प्यार भी इसका दिखता है कि नहीं बड़ा हुआ, यहाँ पे तो कोड आया हुआ है, देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए 28 टन का पासिंग है और रिविजन सीट डाला हुआ है, तो देखते हैं इसमें क्लियर करके हम लोग। तो उसका भी देखते हैं लाइव टाइम में कि इसका जो DF का डेल्टा जो प्रेशर है वो कितना जा रहा है और DPF में सूट कितना है वो देखते हैं, क्योंकि धुआं दे रहा है तो हो सकता है वो ज़्यादा चला गया होगा उसमें कार्बन। खुल रहा है ये, तो ये खुल चुका है। और यहाँ पे देखिए कोड आया हुआ है हमारा, दिखा देगा, देखिए जो हमारा कोड आया हुआ है पार्टिकुलर फिल्टर रेड में, बाकी सारा मेरा येलो में आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं ये कोड हमारा 2461, ये सिर्फ हमारा रेड में है। तो अभी क्लियर करते उसके बाद देखते हैं इसका, क्लियर रखते करके हो गया क्लियर। अभी कोई कोड नहीं है, देखते हैं इसमें हम लोग लाइव डाम में इसका सूट मास कितना है और डेल्टा पे वैल्यू कितना आ रहा है 1000 RPM पे। तो सूट दिखा रहा है यहाँ पे 8 ग्राम और अभी डेल्टा पैसे का वैल्यू दिखा रहा है 0। अभी स्टार्ट करते गाड़ी को, चेकलेट चला गया टोटल, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कोड तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा जो आवाज़ है वो देखिए कितना ज़्यादा धुआं दे रहा है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है ये। और हमारा सूट ग्राम में दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आइडल में हमारा 24 एम्बर चल गया है, 25 जा रहा है अभी, देखते हैं फुल रेस करके भी। देखिए फुल रेस करने पर 100 से 150 जा रहा है। ठीक है, मतलब डीजल फिल्टर का जो है इसका फिल्टर है इसका DPF का वो चौक हो चुका है पूरा। ठीक है, वो चौक हो चुका है कार्बन के चक्कर में, ये हमारा बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम मिलता है, ये चौक क्यों हुआ है, धुआं क्यों दे रहा है वो देखते हैं हम लोग। इंजन का आवाज़ हल्का सा वो नॉकिंग कर रहा है ये, कोड जो हमारा है फिर से आ चुका है, मैं दिखा रहा हूँ आपको।
तो देख सकते हैं हमारा जो ये कोड आया फिर से, क्योंकि हमारा जो प्रेशर आ जाएगा तो ये हमारा कोड आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो क्लास से बने रहें। तो अभी मैं इसका बैकलिक चेक करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि नोजल में प्रॉब्लम है कि नहीं, और नोकिंग कर रहा तो हो सकता है नोजल में भी दिक्कत आता है इसे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम है। मारिए स्टार्ट। तो देखिए अभी इसका रिटर्निंग जो पाइप खोल देना है और चेक करना है। बैटरी जो है हमारा हल्का ज़्यादा आ रहा है, ज़रूरत नहीं आ रहा है। बाकी इसे तो देखने में सही लग रहा है। अब इसका देखते हैं नॉकिंग कर रहा है उसका। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करें गाड़ी को। और जो हमारा इसमें दो नंबर जो इंजेक्टर है, ये कपलर खोल रहा हो तो हमारा धुआं देना बंद हो जा रहा है और आवाज़ भी बंद हो रहा है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको करके। तो ये दो नंबर इंजन बंद का आया था, तो ये भी लगाया है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी ये नॉकिंग जो हमारा कर रहा है इसी से कर रहा है, बाकी बैकली सही इसका है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको स्टार्ट करके। स्टार्ट कीजिए गाड़ी, मैं भी दिखा रहा हूँ धुआं कैसे दे रहा है और इसको निकालने पर धुआं कैसे कम हो रहा है, दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए अभी तो आवाज़ कर रहा है अभी, और इधर धुआं देखिए, गैस देखिए धुआं दे रहा है ना। और अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ से खोल के, देख सकते हैं दो नंबर में अभी खोल दिया हूँ तो आवाज़ हमारा बंद हो गया है और धुआं जो हमारा निकल रहा था वो बंद हो गया है। रेस कीजिए तो, और दिखाता हूँ रेस करके अभी। ठीक है, दो नंबर खुला हुआ है तो धुआं है अभी कम हो गया। ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ अभी, देखिए जैसे मैं लगाता हूँ इसको धुआं निकल हुआ था। बस कीजिए तो हमारा ये दोनों इधर से जो दो नंबर है वो इसका फॉल्टी है। ठीक है, तो इसके मीटर हम देखते हैं क्या करना है, देखने से हो क्या होगा, चेंज करना होगा इसमें मीटर को। गाड़ी बंद कीजिए, गाड़ी बंद कीजिए। तो अभी इसको हम चेंज कर रहे हैं खोल के। ठीक है, ये इंजेक्टर ख़राब हो चुका है, ये नॉकिंग कर रहा है इंजेक्टर के चलते। ठीक है, तो वीडियो क्लास से बने रहे, दिखाता हूँ क्या इसमें करना है, इसको चेंज करेंगे हम लोग भी। ऐसे ही अगर खोल कर देखना है यदि आपके धुआं यदि नॉकिंग कम होता है तो फिर चेक कर सकते हैं इंजेक्टर को। और जो बहुत सारा कोड आया था मैं इसको प्रॉब्लम में यहाँ मिला हमको, देखिए जो बैटरी का जो नेगेटिव वायर है, देखिए यहाँ पे जो रहता है ये लूज़ है पूरा, ये लूज रहेगा तो इसी को प्रॉपर करने नहीं मिलेगा तो यहाँ से दिक्कत होता है। ठीक है, इसको आप हमेशा टाइट रखिएगा, ये BS4 में था सही, BS6 में आपको टाइट रखना है। ये तो टाइट है लेकिन ये हमारा जो इशू में जो नेगेटिव जाता है ये पूरा लूज़ है। ठीक है, यहाँ से करंट छोड़ेगा और हमारा जो इसी में सप्लाई आता है नेगेटिव का वो नहीं आएगा। ठीक है, बाकी हमारा जो पॉजिटिव का है ये यहाँ जाता है यहाँ से। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आपको देखना है यहाँ पे अर्थिंग वाला। तो अभी मैं इसका DPF फिल्टर खोल रहा हूँ, तो देखिए हम ये जैसे इसका DPF कवर खोला हूँ, देखिए हमारा ये पूरा ब्लैक स्मोक से हमारा ये DPF पर कैसे कंडीशन हो गया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये हीट होके ये ऐसे हो गया, देखिए ये और कुछ चलता था ये DPF भी हमारा फट सकता था। ठीक है, ज़्यादा ब्लैक पर हो गया, हैवी लोड हो चुका है, अभी हम साफ करेंगे इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे इस कवर खोला हूँ, पूरा ब्लैक हो चुका है ये, तो खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, साफ कर दिखाता हूँ, मेरा अभी जो प्रेशर जा रहा था अभी बहुत ज़्यादा जा रहा था, मतलब पूरा फुली चोक हो गया है, दिखाता हूँ खोल के अभी। तो अभी मैं इसका नया डाल दिया एक्टर दूसरा खोल के। ठीक है, और यहाँ पे पूरा DPF इसका मैं पूरा खोल के साफ कर लगाया, बहुत ही कार्बन था इसमें, तो साफ कर लगा दिया हूँ। देखते हैं ऐसा करके जो हमारा नॉकिंग का आवाज़ कर रहा था इंजेक्टर का आवाज़ वो कर रहा है कि नहीं और धुआं दे रहा है कि नहीं। ठीक है, तो को दिखाता हूँ स्टार्ट करके, तो स्टार्ट भी हो रहा है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक तो इंजेक्टर सिर्फ चेंज हुआ है जिसमें नॉकिंग कर रहा था वो, मैं दिखा रहा हूँ ये इंजेक्टर कौन सा है, देख सकते हैं साहब नॉकिंग का आवाज़ ख़त्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में भी। और धुआं दे रहा था हमारा इधर से वो भी नहीं दे रहा है। फुल रेस कीजिए, रेस करो,
कर दिया गया है, सब सही है। देखिए थोड़ा सा भी धुआं नहीं दे रहा है अब, और नॉकिंग का आवाज़ हमारा भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इससे मिलता है आप चेक कर सकते हैं। अभी देखते हैं रेफ्रिजरेटर में कमरे कोड जो आ रहा था और प्रेशर आ था इसका, वो सही हुआ कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। और ये है इंजेक्टर का, ये ख़राब था, ये वाला है इंजेक्टर, यही ख़राब था। ठीक है, तो इसको मैं दूसरा गाड़ी से डाल दिया हूँ अभी, ये जाएगा बनने के लिए या फिर चेंज होगा वो देखेगा पंप वाला। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम भी आ सकता है, चेक कर सकते हैं आप। तो अभी मैं प्रसाद करके लगा दिया हूँ, देखते हैं इसका डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर कितना आ रहा है। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ देख सकते हैं हमारा जो वैल्यू है 1-2 जा रहा है आइडल में, पहले जा रहा था 25 प्लस जा रहा था। अभी रेस के दिखाता हूँ करके, अभी रेस करने पर हमारा अभी प्रेशर बहुत कम जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ठीक है ये बहुत ज़्यादा चार्ज जा रहा था, लेकिन 24 जा रहा है, 25 जा रहा है आज। ठीक है, ये बहुत पहले जा रहा था, अभी सही है। और इसमें दिखाता हूँ मैं इसका बूस्ट प्रेशर का वैल्यू भी और एयर मास का फॉलो जो रहता है वैल्यू दिखाता हूँ मैं कभी रेस कर रहा हूँ पे। 1.5 चल गया, मतलब हमारा वो क्लियर हो चुका है पूरा। ठीक है, ये अगर नहीं डीपीआई यदि चौक रहेगा तो हमारा ये वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ट्रायल करते हैं, अभी रेस भी हो रहा गाड़ी। देखिए यहाँ पे कोई कोड नहीं है, तो ट्रायल करते हैं और ड्राइवर से बात करते हैं, अभी गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो अभी गाड़ी हम ट्रायल किए हैं, अभी फुल लोड गाड़ी चढ़ा के देखे थे ना, गाड़ी में कभी लोड पिकअप नहीं हुआ, तो अभी ड्राइवर भैया से बात करते हैं अभी गाड़ी में कैसे चला है। ठीक है, तो ड्राइवर भैया अभी गाड़ी चला के देखे कैसे चला? ठीक चला, ठीक चला ना, अभी तो गाड़ी पूरा कहीं रुका नहीं, नहीं। चल गया ना पूरा, हाँ, तो देख सकते हैं गाड़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, और चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो देखते लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।